अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री इसको लीड करेंगे, इस योग सत्र को। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा जी। मैडम, 21 तारीख को पीएम लीड करेंगे, कितना यूनिक है ये कार्यक्रम? मैं तो आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, ये बहुत ही यूनिक ओकेशन है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योगा सेशन को लीड करेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, अंडर हिज लीडरशिप इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया था 2014 में, और 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ खुद आएंगे, और इतनी ब्यूटीफुल मल्टीकल्चरल सेटिंग में जहाँ सारे देश रिप्रेजेंटेड हैं विश्व के, वो योगा सेशन को लीड करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? इस पहल को किस तरीके से जो सदस्य देश हैं या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी, किस तरह से समर्थन मिला? बहुत ज़बरदस्त मिला है, और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है एक्चुअली, जब हमने इनविटेशन भेजा, न्योता भेजा, उन्होंने कहा रियली प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वो खुद करेंगे योगा? तो आई सेड यस, बिल्कुल वो हमें लीड करेंगे। तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ, और सुनने के बाद बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, यहाँ की डेप्टी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो मैसेज दिया है, बहुत सारे एम्बेसडर्स ने भी ट्विटर पे मैसेज किया है और करेंगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव कि इंडिया की स्टैंडिंग और प्रधानमंत्री की स्टैंडिंग इस समय बहुत हाई है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग जो है जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल, और ये जो वेलनेस का संदेश यूएन से जाएगा पूरी दुनिया में, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि किस तरह की स्थिति थी। बहुत बड़ा आई थिंक मैसेज है, पावरफुल मैसेज है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया मानती है। एंड यूएन में तो आप जानते हैं कि सारे विश्व के देश हैं, मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ, तो योग ही उनको सबको जोड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। इस बार G20 का जो थीम है, भारत जब प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो वसुधैव कुटुंबकम, और योग का भी थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, तो ये दोनों इंटीग्रेट करते हुए इसका क्या मैसेज है दुनिया को? आई थिंक इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत पावरफुल मैसेज है कि भारत, इंडिया इज वॉकिंग द टॉक, दैट इंडिया बिलीव्स इन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज। एंड whether we are doing it through humanitarian assistance as first responders, whether through yoga, our soft power, India is showing that human welfare, human-centric global development approach is very important as opposed to a self-centered approach. PM योग के साथ मिशन लाइफ को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी हमने देखा कि पीस कीपर के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो पहल थी कि उनके लिए मेमोरियल वॉल बनाया जाए, उसको भी बहुत ही रिकॉर्ड समर्थन से, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला है। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ अ रिकग्निशन कि लोगों को भारत पे विश्वास है, एंड इंडिया की स्टैंडिंग बहुत हाई है। तो भारत जिस तरीके से मानवता की सेवा के लिए जिस तरीके कदम उठा रहा है, मानवता की सेवा के लिए, बहुत सही कहा। और जो भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि वही सुख, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी है। और ये हमने कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी बताया था कि हम, वी स्टैंड फॉर पीस, और पीस भी एक साइड है, पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये भारत की स्टैंड रही है कि शांति और पीस बनी रहे और दुनिया में सुख और समृद्धि आए।